What's up everyone, welcome back to the channel. तो आज है दिवाली डे, तो wishing you all a very very happy दिवाली. आप सभी को, आप सभी के परिवारों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी की दिवाली बहुत बहुत अच्छी जा रही होगी. बहुत सारी गुड विशेज एंड आई रियली विश कि ये दिवाली आपकी वन ऑफ द बेस्ट दिवाली रहे. तो यार आज अभी इस टाइम लगभग 2 बज रहे हैं, तो मैं घर से निकल रहा था, ऑफिस की तरफ जा रहा था. ऑफिस में पूजा है, फिर घर पर पूजा है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक शॉर्ट व्लॉग सॉर्ट ऑफ बनाऊँ, और आपको एक ऑफिस टूर भी हो जाएगा. आप लोग देखोगे कि हम लोग किस तरीके से एक छोटे से ऑफिस से कैसे काम कर रहे हैं, और सारी चीज़ें आप लोगों तक स्प्रेड कर पाऊँ. तो एक दिवाली विशेस भी हो गई और ब्लॉग भी हो जाएगा, तो लेट्स सी चीज़ें कैसे चलती हैं. अभी यहाँ से चलते हैं घर से, और आपको दिखाता हूँ अपना ऑफिस टूर. चलिए, तो गाइस फाइनली हम लोग ऑफिस आ चुके हैं, और सबसे पहले पूजा का प्रोग्राम था ऑफिस में, तो वो हम लोगों ने कम्प्लीट किया. अब मैं आप लोगों को ऑफिस दिखाता हूँ कि चीज़ें किस तरीके से हम लोग कर रहे होते हैं. थोड़ा रोड साइड है, तो आवाज़ को थोड़ा सा प्लीज बियर अप करना. आइए, तो एक रूम ये है, इसको मैं अभी आपको लास्ट में दिखाऊंगा. सबसे पहले हम अंदर चलते हैं. तो सबसे पहला हमारे पास एक ये स्पेस होता है. इस स्पेस में बेसिकली सारा थिंकिंग टैंक, या आप पहले देखो कि किस तरीके से ये हमारे पास एक स्पेस है, और यहाँ पे जितनी कॉल्स आती हैं बच्चों की, या जो एडमिशन्स के लिए, जो ऑनलाइन कोर्सेज में एनरोलमेंट होते हैं, या जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो सब यहाँ से बैठ के मैनेज होती है. उसके बाद जो ऑफलाइन विजिट करते हैं वो लोग, सबसे पहले एक छोटा सा रिसेप्शन है आके यहाँ से एक बार चीज़ें हो जाती हैं, सारी चीज़ें पता चल जाती हैं. क्लासरूम हम लोगों ने ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर बनाया है, और यहाँ पर हमारा बेसिक सारा टीम बैठती है जहाँ से सारा काम होता है. आइए, तो बेसिकली दिस इज द प्लेस. अगर हम यहाँ से देखना शुरू करते हैं, तो यहाँ से चीज़ें सारी ऑपरेट होती हैं, यहाँ पे सभी लोग बैठ के काम कर रहे होते हैं. अगर हम इधर से देखें, तो इधर से हमारा सारा सिस्टम काम करता है. ये बेसिकली ये जो रूम है, ये कम्प्लीटली ऐसा नहीं था, ये पहले पार्टीशन में था, मतलब कि एक ये रूम अलग था, और अगर मैं इधर आ जाता हूँ तो हमारे पास ये वाला रूम अलग था. तो पहले क्या था, इस रूम में भी देयर वर टू पार्टीशंस, मतलब यहाँ पे भी पार्टीशन था. ये हम लोग का एक छोटा सा स्टोर रूम था, और बस मैं इतना एरिया में पहले पढ़ाया करता था, मतलब इसमें 10 से 15 बच्चे आ जाते थे. फिर धीरे धीरे मैं इस रूम से इधर वाले रूम में चला गया, वो थोड़ा बड़ा रूम बन गया, उसमें 15-20 बच्चे आ जाते थे. बट उसके बाद फिर धीरे धीरे चीजें चेंज होती गई, तो फिर हम लोगों ने इसको कम्प्लीटली वर्क स्पेस में कन्वर्ट कर दिया. अब अगर हम यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ से सारी चीज़ें हो रही होती हैं. यहाँ पे हम लोग अपने एम्स, गोल्स, या जो भी हम लोग के टारगेट वारगेट्स हैं, वो सारी चीज़ें लिखते हैं. कुछ ये वॉल्स पे हम लोगों ने थोड़े से मोटिवेशन के लिए थॉट्स वॉट्स लगाए हैं. हम लोग को थोड़ा अच्छा रहता है, एक एनवायरनमेंट बढ़िया क्रिएट होता है. तो यहाँ से, मतलब दिस इज़ द प्लेस जहाँ से सब कुछ ऑपरेट होता है, मतलब जितनी भी क्लासेस चल रही हैं, ऐप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, एडिटिंग होनी है यूट्यूब पे, या जो भी काम होना है, वो सब यहाँ से ऑपरेट होता है. तो ये एक ऐसी जगह है विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, और यहीं से सब कुछ चलता है. अब चलते हैं क्लासरूम की तरफ. अब मैं आपको क्लासरूम दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग क्लासरूम में चलते हैं. आइए, तो ये हम लोग का बेसिकली फर्स्ट एक ग्राउंड फ्लोर हो गया. अब हम फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं. गाइस, दिस इज द क्लासरूम जहाँ से सारी चीजें ऑपरेट होती हैं. मैं जितनी भी वीडियोस बनाता हूँ, वो सब आप यहाँ से देख पाते हो, मतलब दिस इज द स्पेस जहाँ से आप सारी चीजें देख पाते हो. अगर मैं यहाँ आऊँ, तो बेसिकली यहाँ से ही मैं सारी क्लासेस को कंडक्ट करवाता हूँ. थोड़ा सा पीछे हो, तो यहीं से रह के सारी चीजें होती हैं, यहाँ से सारी यूट्यूब वीडियोज बनती हैं. अगर मुझे वाइट बोर्ड यूज करना है, तो मैं इधर इसको यूज करता हूँ. अगर डिजिटल बोर्ड यूज करना है, तो यहाँ से यूज करता हूँ. थोड़ा पीछे हो जाओगे तो चीजें वो कम्प्लीटली आ जाएंगी. यहाँ से ये एक हमारा प्लेटफॉर्म है जिसपे खड़े होकर सारी चीजें हो रही होती हैं. तो ये है. इसके बाद यहाँ से अगर आप देखोगे, तो एंटायर क्लासरूम लुक्स लाइक दिस. मतलब अगर आप क्लासरूम देखते हो, तो सभी ऑफलाइन बच्चे इधर बैठे होते हैं. मतलब अगर आप कभी भी आओगे और आपको ऑफलाइन अटेंड करना है, तो आपको यहाँ बैठने को मिलेगा. ऑफलाइन आप जितने भी बच्चे अटेंड करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं. यू आर मोस्ट वेलकम. यहाँ से सारी हमारी क्लासरूम हो गया. ऑफलाइन क्लासेस में सारी यहीं पे लेता हूँ. इसके बाद हमारे पास एक ऊपर सेकंड फ्लोर पे एक एक्स्ट्रा रूम और है, जहाँ से हम लोग बैठ के अगर कुछ और काम करना है, कोई मीटिंग लेनी है, तो वहाँ से ले सकते हैं. और ओपन स्पेस भी है, थोड़ा खुला खुला, जिनको मन करता है काम करने का, तो वो ऊपर ग्रीनरी में, एनवायरमेंट में बैठ के काम करते हैं. मैं आपको वो दिखा. सो दिस इज़ द ओपन एरिया वी हैव. यहाँ से सारा बिल्कुल ओपन है, सब लोग को थोड़ा एनवायरनमेंट फ्रेंडली, नेचर
या इस तरीके की चीज़ें जिन लोगों को अच्छा लगता है वो यहाँ बैठ के भी काम करते हैं बिल्कुल फ्रीडम के साथ और सब अच्छा होता है। और एक ये हम लोग का एक्स्ट्रा रूम है, थोड़ा लाइट वाइट लगी हुई है, दिवाली है तो वायरिंग वगैरह ऐसी हुई है। सो दिस इज अनदर रूम जहाँ से हम लोग सारी चीज़ें ऑपरेट करवाते हैं, इस तरीके से यहाँ लोग बैठ के काम करते हैं और इधर हम लोग चीज़ें लिखते हैं कि क्या क्या है, क्या है कि इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज है, क्या करना है, क्या बनाना है, वो सारी ही चीज़ें यहाँ से ऑपरेट होती है। तो दिस इज वन ऑफ द अदर रूम भी है जहाँ पे बैठ के मीटिंग फिटिंग हम लोग ये सारी चीज़ें देखते हैं। नीचे चलते हैं और मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। अब गाइस नीचे चलते हैं और मैं आप लोग को अपना वो जो फर्स्ट वाला इनिशियल मेरा अपना खुद का पर्सनल स्पेस है वो दिखाता हूँ कि मुझे अगर किसी से मिलना है तो मुझे भी तो यार कहीं बैठना पड़ेगा। तो अब आप लोग को वो दिखाता हूँ, वापस से नीचे चलते हैं और आपको वो सारा ऑफिस दिखाता हूँ। तो गाइस हम लोग यहाँ से एंटर करते हैं। तो दिस इज द प्लेस, बेसिकली अभी गिफ्ट विफ्ट रखे हुए हैं, दिवाली है, अभी जस्ट पंडित जी पूजा करके गए हैं तो यहीं पे सारा काम होता है। ये सब रिवॉर्ड्स वर्ड आपको बताइए सब आपके प्यार से चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं, ओनली बिकॉज ऑफ योर लव एंड सपोर्ट हम लोग ये सारी चीज़ें कर पाते हैं। तो जितना भी मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ देखना है, जो भी मैं सोच रहा हूँ, कुछ क्रिएटिव चीज़ें कर रहा हूँ, वो सब मैं यहाँ बैठ के करता हूँ। और हमारी जो शॉर्ट्स हैं, जो शॉर्ट्स वीडियोज आप देखते हो, वो सब इस बैकग्राउंड पे बन रही होती हैं और यहीं से बैठ के मैं सारी चीज़ें कर रहा होता हूँ। दिस इज माय बेसिक स्पेस जहाँ बैठ के सब कुछ मैं मैनेज कर रहा होता हूँ। तो यहीं से कल मुझे कुछ वीडियो कॉल्स करनी थी बच्चों को, तो मैंने यहीं से बेसिकली यहीं से बैठ के मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ। और मुझे कुछ बुक्स हैं, मैं मुझे पढ़ना अच्छा लगता है तो बुक्स मैं इधर रखता हूँ। और ये एक ऐसा रूम है विच इज यहाँ पे बैठ के मुझे सबसे ज़्यादा पीस और सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस मुझे यहीं मिलती है, क्योंकि एक प्रॉपर वेल अरेंज्ड जब चीज़ें होती हैं ना, वो फेयॉल की बात करो तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन, हर चीज़ प्रॉपरली अरेंज्ड है तो बहुत मोटिवेशन मिलता है और यहीं से सारी चीज़ें हो पाती हैं। तो बस ये हम लोग के पास टोटल स्पेस है जहाँ से हम लोग काम कर रहे हैं। मेरा हो गया अंदर, टीम के लिए ऑफिस हो गया, एक छोटा ऑफिस है, फिर क्लासरूम है फर्स्ट फ्लोर पे, यही सारी चीज़ें हैं और यही सब कुछ हो पाता है। तो गाइस दिस इज इट, होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पता लगा होगा कि इस तरीके से हम लोग ऑपरेट कर पा रहे हैं, किस तरीके से सारी चीज़ें अब तक आ पा रही हैं और बस इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे और आप लोगों तक और भी चीज़ें आती रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्दी मिलता हूँ मैं आप लोगों को कुछ और नई वीडियोज़ के साथ। कुछ और मुझे बताना इस तरीके की चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं तो मैं और बनाऊंगा आप लोगों के लिए। एंड विशिंग यू ऑल वंस अगेन अ वेरी हैप्पी दिवाली, माई गुड विशेज to you as well as your entire families. Thank you so much everyone. I'm gonna meet you super soon. Thank you.